गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज के तहत। आज लेसन नंबर 62 में 62वें लेसन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक मैंने चूज किया है जंपिंग नोट्स क्या होते हैं, यानी उछलते स्वर क्या होते हैं और उनका क्या महत्व होता है और वो संगीत में क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आप स्वर क्या होता है ये नहीं जानते, या आप इस चैनल पर नए आए हो, या आपने अभी कुछ ही दिनों से मेरा ये चैनल देखना स्टार्ट किया है, या आप मान लो भूल भुला गए हो कि स्वर क्या है या स्वरों के कितने अलग अलग प्रकारों पे मैंने आपसे बातचीत की है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने वहां पे स्वरों से जुड़े लेसन्स, इस नाम से एक टाइटल मिलेगा आपको, स्वरों से जुड़े लेसन्स, वहां पे सभी स्वरों के जितने भी हमने प्रकार अभी तक डिस्कस किए हैं वे आपको मिल जाएंगे वहां पे, और उसी प्लेलिस्ट में आज आपको ये वाला वीडियो लेसन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जंपिंग नोट्स क्या होते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे दो शब्द आए हैं, जंपिंग और नोट्स। तो नोट का मतलब होता है स्वर, बहुत से स्वर हैं तो नोट्स। जंप का मतलब होता है हिंदी में उछलना, तो जाहिर सी बात है अब आप मीनिंग समझ गए होंगे, उछलते हुए स्वर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आइए उस पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी एक स्वर से उसके आगे या उसके पीछे वाले स्वरों पर उछल कर जाते हैं, उस क्रिया को जंपिंग नोट्स कहा जाता है। और इस क्रिया में हमको करना क्या होता है, ध्यान देने वाली बात यहां पे ये होती है कि जब हम किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक, यानी कि उस स्वर से कुछ आगे वाले स्वरों पे जब उछल कर जाते हैं, तो बीच के कुछ स्वरों को हम लांग देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सा से यदि उछलना हो, प पर, सीधा प पे हम उछलेंगे, सा से प पर हमने उछाल मारी है, तो क्या होगा, रे ग और म बीच में जो तीन स्वर आते थे वो हमने लांग दिया उनको, तो हम उनको लांग कर जो है प पे छलांग मारेंगे। तो इसी क्रिया का नाम है जंपिंग नोट्स। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ा सा गा के बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि जंपिंग नोट्स क्या होते हैं। देखिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, ये देखिए अब आप तानपुरे का साउंड सुन रहे हैं। अभी बेसिक एक अलंकार में ले रहा हूं, एक पलटा, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं शुरुआती दौर में अलंकारों की, पलटों की, तो सबसे बेसिक एक पलटा है, देखिए किस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको जंपिंग नोट्स का पलटा बोला जाता है, या आप कह सकते हैं कि इस पलटे में या इस अलंकार में आपको जंपिंग नोट्स देखने को मिलेंगे। देखिए कैसे हम एक स्वर से दूसरे स्वर पे जंप करते हैं, इसी क्रिया का नाम है जंपिंग नोट्स। सा देखिए बहुत ही बेसिक सा अलंकार है, ये जंपिंग नोट्स का अलंकार है। सागा, अब देखिए सा से मैंने ग पे छलांग मारी तो ये क्या हो गया, जंपिंग नोट हो गया। कौन सा, सा के बाद जंपिंग नोट क्या हो गया, ग हो गया, क्योंकि जंपिंग नोट जिस स्वर पे हम छलांग मारते हैं वो स्वर भी जंपिंग नोट कहलाता है, और जिस स्वर से छलांग मारी जाती है उसको भी जंपिंग नोट बोलते हैं। तो यहाँ पे जंपिंग नोट्स क्या हुए, सा, क्योंकि सा से हम चले थे, और किस स्वर पे लैंड किया हमने, ग पे, तो यहाँ पे जंपिंग नोट क्या हुए, सा और ग, बीच में रे जो है लांग दिया गया। तो इसी तरह से जंपिंग नोट जो है चलते हैं, एक स्वर से दूसरे स्वर पे छलांग मारते हैं, हम जंप मारते हैं और बीच के स्वरों को लांग देते हैं। तो आइए देखते हैं बेसिक अलंकार, जिसको जंपिंग अलंकार भी बोलते हैं, या जंपिंग नोट्स का अलंकार बोला जाता है, या जंपिंग नोट्स का पलटा बोलते हैं। सागा, अब देखिए सा के बाद ग, रे मा, रे मा, तो बीच में ग चला गया, रे मा, ग प, ग प, ठीक है, ग प, माधा, माधा, बीच से प गायब हो गया, म से ध पे जंप किया, माधा, पानी, पानी, और नी के बीच में ध खा लिया हमने, जंप मारा प से नी पे, पानी, धासा, धासा, तो यहाँ देखिए ध और सा के बीच में हमने नी को खा लिया। उसी तरह इसका अवरोह करेंगे, साधा, नी प, धामा, पादा, मारे, गासा। तो ये वाला कौन सा अलंकार या कौन सा पलटा होता है, जंपिंग नोट्स का अलंकार या जंपिंग नोट्स का पलटा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पे जंप मारते हैं और बीच में कुछ एक स्वरों को लांग देते हैं, तब उस क्रिया का नाम होता है जंपिंग नोट्स या उछलते स्वर। और इस क्रिया में उछलता स्वर क्या होगा, वो दोनों स्वर उछलते स्वर होंगे, जिस स्वर से हम उछले और जिस स्वर पर लैंड करते हुए उछल कर रुके, तो दोनों स्वर वहां पे उछलते हुए स्वर बनेंगे। आइए अब आपको मैं बताता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इन उछलते हुए स्वरों का संगीत में क्या महत्व है, इस पे भी हम बात करते हैं, या संगीत में इनका क्या रोल है। डियर स्टूडेंट्स, चाहे हम
क्लासिकल म्यूजिक गाएं, चाहे हम रागदारी संगीत गाएं, या मैं कहूं कि हम फिल्मी गीत गाएं, गजलें गाएं, भजन गाएं, कवाली गाएं, कुछ भी हम गाएं, चाहे लाइट म्यूजिक हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, दोनों में ही जंपिंग नोट्स का बहुत ज्यादा रोल है, या मैं कहूं कि 90% जो है जंपिंग नोट्स का प्रयोग किया जाता है संगीत में। और जंपिंग नोट्स के बाद जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो है मींड युक्त स्वर। तो अब आप यहां पे एक चीज समझ रहे होंगे कि जो जंपिंग नोट्स है, जंप का मतलब होता है एक स्वर से दूसरे स्वर पे जंप करना, उछलना, ठीक है। और एक लेसन में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था मींड क्या होती है, बीच, एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाना। अब देखिए जंपिंग नोट में भी वही काम हो रहा है, एक स्वर से दूसरे स्वर पे जा रहे हैं हम, और मींड में भी क्या होता है, एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है, देखिए जंपिंग नोट्स में हम एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाते हुए ध्वनि को खंडित कर देते हैं बीच में और सीधा जंप मारते हैं। हालांकि मींड में भी हम जो है स्वर, एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाते हैं लेकिन जंप नहीं मारते। वो जंप कैसा जंप होता है, वहां पे ध्वनि को खंडित किए बगैर किया जाने वाला जंप, यानी सा पा, ठीक है, ये जंप हो गया, पा सा, ठीक है, ये जंप हो गया हमारा, यानी कि जंप ये है लेकिन विदाउट एनी ध्वनि को खंडित किए हुए। तो ध्वनि को जब हम खंडित नहीं करते तो उस कंडीशन में एक स्वर से दूसरे स्वर पर किया गया जंप जो है मींड कहलाता है, हालांकि वो जंप ही है लेकिन ध्वनि को खंडित किए बगैर किया गया जंप है वो, तो इसलिए उसको हम मींड बोलते हैं। जब हम ध्वनि को खंडित कर देते हैं, सीधा जंप करते हैं, तब वो जंप कहलाता है। आइए अभी आपको एक चीज और बताता हूं कि जंपिंग नोट्स का रागदारी संगीत में कहाँ कहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी राग हैं हमारे संगीत में, चाहे वो वक्र जाति के राग हों, विशेष रूप से वक्र जाति के राग, या मैं कहूँ वक्र चलन के जो राग हैं, वक्र चलन के जो राग हैं, उसमें आपको जो है जंपिंग नोट्स का बहुत ज्यादा रोल देखने को मिलेगा। एक स्वर से दूसरे स्वर पे छलांग मारी जाती है उसमें, और रागों के आरोह और अवरोह को डिजाइन करने में भी जंपिंग नोट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। आइए डिस्कस करते हैं किस प्रकार से। देखिए मैं आपको कुछ रागों के एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा राग दुर्गा। देखिए राग दुर्गा में जंपिंग नोट्स हमें कहां पे देखने को मिलेगा। राग दुर्गा का मैं आरोह गा रहा हूं आपके लिए और अवरोह गा के आपको बताऊंगा। सारे मा पा दा सा साधा पा पे आपने क्या देखा, जंपिंग नोट्स आए कहां पे, सारे म प ध सा, रे से म पे गए तो जंपिंग नोट से गए हम, बीच में ग गायब हो गया। वैसे ही दुर्गा के आरोह में और अवरोह में, आरोह में आप देखिए उत्तरांग में क्या हुआ, ध से सा पे गए तो नी गायब हो गया। तो क्या क्या बन गया, यहां पे राग दुर्गा का आरोह बन गया। कैसे बना, जंपिंग नोट्स की सहायता से। तो देखिए मेरा पॉइंट प्रूव हो गया यहां पे कि रागों के आरोह और अवरोह को बनाने के लिए गुणीजनों ने जंपिंग नोट्स का इस्तेमाल किया है और बहुत से फिल्मी गीतों में भी इस्तेमाल किया जाता है। और फिलहाल मैं आपको राग के आरोह अवरोह में दिखा रहा हूं कि जंपिंग नोट्स कहां होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए दुर्गा का आरोह अवरोह किस प्रकार बना है जंपिंग नोट्स के अनुसार। जैसे सा सा रे मा रे मा रे मा, रे के बाद मा पे जंप मारा है, बीच में ग गायब हो गया, सा रे गा मा। तो यहां पे यदि हम ऐसा करेंगे सा रे गा मा, ग को भी लिया, तो ये जंपिंग नोट नहीं हुआ, ये सिंपल एक सरगम बन गई हमारे, सा रे गा मा मा ग रे सा। यहाँ कहीं भी जंपिंग नोट नहीं है, जंपिंग नोट कहाँ आया, सा रे मा, तो ग गायब हुआ, रे से मुंह पे छलांग मारी, जंप मारा, यही जंपिंग नोट है। सा रे मा प ध सा, अब देखिए ध पे हमने जंप मारा सा के लिए, दासा, फिर अवरोह में भी देखिए साधा, बीच में नी नहीं लिया, सा नी धा प, यदि ऐसा करते तो जंपिंग नोट नहीं बनता। जंपिंग नोट कब बनेगा, साधा प मारे सा। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है राग दुर्गा का आरोह डिजाइन होता है। आइए अब मैं आपसे बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स एक और राग जहां पे हमें जंपिंग नोट देखने को मिलेगा, वो है वक्र, वक्रता लिए हुए एक राग है तिलक का मोद। राग तिलक का मोद का आरोह देखिए किस प्रकार से है, सा तिलक का मोद की जो मेन स्वर संगतियां हैं आरोह में, जिन स्वर संगतियों से राग तिलक का मोद का आरोह डिजाइन किया गया है मैं वो आपको बता रहा हूं। सा रे गा सा रे मा पा धा मा पा सा पा सा। अब
देखिए प से सीधा जंप मारा है सा पे, तो बीच में ध और नी को मैंने गायब कर दिया। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमारे जो है रागों के आरो अवरो डिजाइन करने में जंपिंग नोट्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि 90% जंपिंग नोट्स पे ही हमारी सिंगिंग चलती है, और उसके अलावा जो थोड़ी बहुत बच जाती है उसमें मीड के स्वर आ जाते हैं और या पास के स्वर आ जाते हैं, जिनको हम बिना मीड और बिना जंपिंग नोट्स के प्रयोग करते हैं, जैसे सा रे गा मा मा गा रे सा, इस प्रकार से हम गाते हैं। तो तीन ही तरीके हैं हमारे स्वरों को गाने के, एक है जंपिंग नोट वाला फॉर्मूला, एक है मीड युक्त, और एक है विदाउट जंपिंग और विदाउट मीड। उसके अलावा जो तरीका बच जाता है वो तीसरा तरीका है, सिंपल हम स्वरों को लेते हैं और सिंपल स्वरों पे वापिस आ जाते हैं। ये आपने आज सीखा जंपिंग नोट्स क्या होता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्मी गीतों में हमें जंपिंग नोट्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए फिल्मी गीतों में जंपिंग नोट्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक गीत है किसना फिल्म का, जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर वाला वो किसना है। ये एक बहुत अच्छा सॉन्ग आया था कुछ साल पहले, यदि आपको याद होगा। और इस गीत में जो है मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा कि देखिए इसमें कहां पे हमें जो है देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं आपके सामने तानपुरा मैंने ऑन कर दिया है, अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमें जंपिंग नोट्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे फिल्मी गीत में। देखिए देखिए, जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है। ये सॉन्ग आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो यूट्यूब पे जाइएगा आपको मिल जाएगा। आइए फिर एक बार देखते हैं सॉन्ग में, ये सॉन्ग जो है जंपिंग नोट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, जो है अलबेला मद नैनो वाला। अब इसकी नोटेशन देखिए क्या बनती है, सापा मगरे मा। अब देखिए सापा, सा से सीधा मापा पे जंप मारा, सापा जो है सापा, ठीक है, जो है अलबेला अलबेला मगरे मा। अब देखिए मगरे मा रे मा, गौ गायब हो गया, मां पे जंप आया। तो ये जंपिंग नोट का सॉन्ग है, जो है अलबेला मद नैनो वाला, सापा मगरे मागरे सागर सरे। अब देखिए सागर सरे सागा, फिर जंप है, मतलब इस गीत में आपको जंप ही जंप देखने को मिलेंगे। तो ये जंपिंग नोट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये सॉन्ग, जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला किसना है वो किसना है, ठीक है, ये सॉन्ग आपने सुना होगा। आइए अब आपको एक और उदाहरण देता हूं मैं, लता जी का वो बहुत ही फेमस गीत जो अक्सर मैं आपको अपने अलग अलग वीडियो लेसन के माध्यम से बताता भी आया हूं अभी तक, लग जा गले के फिर ये हंसी रात होना हो। इस गीत में देखिए कितनी खूबसूरत बात हुई है डियर स्टूडेंट्स की, इस सॉन्ग में यदि आप देखेंगे आपको देखने को एक चीज मिलेगी, क्या कि इस सॉन्ग में आपको जंपिंग नोट का उदाहरण मिलेगा। कहां पे मिलेगा, अब देखिए इसमें इस सॉन्ग में क्या हुआ है कि लग जा गले, तो जो लग जा शब्द है वहीं पे शुरुआत में ही जंपिंग नोट है। देखिए कैसे है, देखिए देखिए, आ लग जा गले के फिर, लेकिन शुरू में देखिए लग लग लग, ये कहां पे आ रहा है, इस वक्त मैंने जो है ई को सा माना है और सा सा पा पा मंद्र सप्तक का पा, सा पा सा ई, ये ई ई को मैंने जो है पिच मान के सा मान के गा रहा हूं, सा पा तो मंद्र सप्तक के प से मैं ले रहा हूं। देखिए सा लग लग जा, अब ये कहां कहां से कहां पे जंप आया है, इसी हिसाब से देखिए लग जा पा गा पा पा मंद्र का पा, पा गा रे गा, ठीक है, पा गा रे गा। तो देखिए यहां पे जंपिंग नोट आया कहां पे, लग जा लग 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 जा लग जा, तो लग शब्द जो है नीचे था और सीधा लग से हमने जंप मारा जा पे। तो स्वरों के हिसाब से अगर हम देखें तो नोटेशन क्या बनता है इसका, पागा प से सीधा ग पे जंप मारा है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमको जो है जंपिंग नोट देखने को मिलता है।
और अब मैं आपको अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जंपिंग नोट को आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे स्वर जो एक स्वर से दूसरे स्वर तक उछलकर प्रयोग किए जाते हैं और जिनके उछलने के क्रम में बीच के कुछ स्वरों को लांग दिया जाता है, उनको जंपिंग नोट्स कहा जाता है। जंपिंग नोट्स की वैल्यू क्या है, इसके आधार पर जो रागों के आरोह अवरोह डिजाइन किए जाते हैं या आरोह अवरोह में ये बहुत काम आता है। और जंपिंग नोट्स की प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता है, हमारे गले में जंपिंग नोट्स की जो है जल्दी से हम कभी भी जंपिंग नोट्स लेते हैं उसकी एक प्रैक्टिस हो जाती है, हमारे दिमाग में जंपिंग नोट्स का स्थान जो है बन जाता है। और जंपिंग नोट्स हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं, रागों के आरोह अवरोह में, रागों की बंदिश में और फिल्मी गीतों में बहुत जंपिंग नोट्स का यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे लगा आज इस टॉपिक पे आपसे बात करूं, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो लेसन रिकॉर्ड किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हालांकि लेसन थोड़ा लंबा भी हो गया है, उसके लिए आपसे माफी भी चाहूंगा मैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आज ये डिस्कस करना था आपके साथ, इसीलिए आज मैंने ये लेसन आपके लिए बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे विदा लेता हूं, बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।